गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो 15 नंबर क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन वही है कि फाइंड द प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है x+2 × x+3 × x-1। अब इसका प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इस दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x+2 को और x+3 को, और फिर जो हमारा वैल्यू आएगा, जो आंसर आएगा, उसको हम लोग x-1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये आप पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, दोनों के इसमें आंसर सेम आएगा हमारा। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, x+2 को और x+3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक से मल्टीप्लाई करेंगे पहले x+3 को, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x+3 को, और यहाँ पर हमारा x-1 मल्टीप्लाई में ही रहेगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो x × x x² हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होकर हमारा 3x हो जाएगा, ये 2x हो गया, 2 × x, और 2 × 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे x-1 ये मल्टीप्लाई में रहेगा। तो यहाँ पे x² हो गया, और 3x 2x ये दोनों लाइक टर्म है, तो इसको ऐड कर देंगे, 5x आ जाएगा प्लस 6 × x-1। अब इस दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x² है, तो x² से हम मल्टीप्लाई करेंगे x-1 को, फिर 5x इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x-1 को, फिर प्लस 6 है, इससे हम लोग x-1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x³ - x²। ठीक है, 5x × x ये 5x² ये प्लस 5x है, -1 - 5x हो जाएगा, फिर 6 से x में मल्टीप्लाई होगा 6x, और ये -6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो जो लाइक टर्म है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर x³ हो जाएगा। अब ये हमारा -x² है प्लस 5x² है, तो ये हो जाएगा प्लस 4x². अब यहाँ पे 6x प्लस है और -5x है, तो प्लस 6 हो जाएगा और -6, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, उसको आप लोग सोल्व कीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक है, इसमें दिया है x+5, इससे मल्टीप्लाई करना है x²-4x+5 को। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे x²-4x+5 को, फिर प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे x²-5x-4x+5 को। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x है और x² ये x³ हो जाएगा, x से फिर -4x से करेंगे तो -4x², फिर x हमारा 5 में मल्टीप्लाई होगा, 5x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 5 से हम लोग x² को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x² 5 को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x, और ये हो जाएगा हमारा 5 × 5 25। अब इसमें जो जो लाइक टर्म है उसको हम लोग साथ में लिखेंगे, जैसे x³ हो गया, अब यहाँ -4x² है, अब +5x² है, तो इसको हम लिखेंगे +x². ठीक है, अब यहाँ -20x है और +5x है, तो ये हमारा हो जाएगा -15x + 25, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन इसी टाइप का, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन और यहाँ देखते हैं हम लोग, 20 नंबर, इसमें दिया है 2x-1, इससे मल्टीप्लाई करना है 4x² + 2x + 1 से। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसमें भी हम लोग पहले क्या करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे 4x² + 2x + 1 को, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² + 2x + 1 को। ठीक है, अभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2x है, ये 4x² है, मल्टीप्लाई होकर ये 8x³ हो जाएगा, 2x 2x, ये 4x² हो जाएगा, और 2x से हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। उसी तरह से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² को, तो ये -4x², और -1 और +2x मल्टीप्लाई होकर -2x, और ±-1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4x² प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, 2x हमारा प्लस है, माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8x³ यहाँ बच जाएगा, और 1 जो है ना -1 लास्ट में, ये -1, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।